Hello students, myself Dinesh Dadich, Team Chemistry CLC. JEE Advanced 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं. पेपर फर्स्ट है, सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं. सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस है, जिसके अपने को डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर देना है. राउंड ऑफ मेथड को यूटिलाइज करना है. प्लस अगर आप मार्किंग स्कीम चेक करते हैं तो +3 करेक्ट केस में होगा, अनोदर केस में अपने पास 0 मार्किंग होगी, मींस नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी. तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन ए को हम डिस्कस करते हैं. सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 2 मोल ऑफ HG कंबस्टेड इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम सुनते ही पता लग रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड. बड़ा अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन है, देखते हैं. विथ एक्सिस ऑफ O2H 298 केल्विन एंड 1 atm ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 298 टू 312.8 केल्विन. हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20 किलोजूल पर मोल एंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HG गैस is 61.3 kilojoule per mole. Calculate the standard molar enthalpy of formation. Molar enthalpy of formation means हमें 1 mole of HZO की enthalpy of formation calculate करनी है using by the following informations. Okay dear students, check करना. सबसे पहले ये बोल रहा है कि HZ है 2 mole of HZ. 2 मोल ऑफ HZ में HZ गैस ले रखा है, O2 की प्रेजेंस में कंबंसन कर रहा है और अपने पास क्या बन रहा है, HZO सॉलिड बन रहा है, HZO सॉलिड बन रहा है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. अब यहां पे रिएक्शंस बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो रही है और बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो रिएक्शंस होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है तो इंफॉर्मेशन डेल्टा ई के बारे में हमें मिलेगी. तो हम यहां कह रहे हैं क्यू इज इक्वल टू, यहां पे जो क्यू रिलीज होगी, हीट जो रिलीज होगी वो एक तो हो जाएगी हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. ये अपने पास हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की कितनी होगी, हीट कैपेसिटी होगी 20 किलो जूल, और टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 14.8 केल्विन. तो ये अपने पास जो इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये आ जाती है 296 किलो जूल इंफॉर्मेशन आती है. कांस्टेंट वॉल्यूम पे आई है तो अपने पास यहां से डेल्टा ई इज इक्वल टू -296 किलो जूल हो गया. डी स्टूडेंट्स, वी नो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा ई. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, डेल्टा ई कितना हो गया -296, क्योंकि हीट क्या हुई है, इवोल्व हुई है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहा है तो -296. डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 -3, तो -3 अपने पास डेल्टा एन जी. आर कितना हो गया 8.3, और ये अपने पास टी कितना हो गया 298 केल्विन. अब ये क्वांटिटी किलो जूल में है, ये क्वांटिटी जूल में है, तो कितने से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, और डेल्टा एच हम सोल्व करते हैं तो ये डेल्टा एच इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया -303.42 किलो जूल आ गया. ओके, 303.42 किलो जूल आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि HZ गैस 2 मोल ऑफ HZ गैस रिएक्ट विथ द O2 एंड फॉर्म HZO सॉलिड.
जो हीट इवॉल्व हुई है मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है फॉर द 2 मोल 303.42 किलो जूल हो गई. ओके नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस पूछा है. ओके डी स्टूडेंट्स तो चेक करते हैं अपने पास क्या हुआ कि Hg था, ये Hg, ये Hg अपने पास गैस था, इसकी रिएक्शंस O2 के साथ करवाई, गैस है और HgO सॉलिड बना, HgO सॉलिड बना. तो ये डेल्टा H है, ये डेल्टा H रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मींस अपने पास जो ये इंफॉर्मेशन 303.42 की थी इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. हाफ कितना हो गया, -151.47. तो ये हो गया अपने पास -151.47 मींस 151.47 अपने पास हो गया, 151.47. ओके डी स्टूडेंट्स 151.47 या 151.7 अपने पास हो गया. अब हमें यह कैलकुलेट करना है Hg जो है उसकी एंथैल्पी. Hg अपने पास क्या होता है, लिक्विड, गैस के फॉर्मेशन के लिए दे रखा है. Hg अपने पास क्या दे रखा है, गैस दे रखा है. इसके लिए डेल्टा H अपने पास जो गिवन है वो अपने पास गिवन है कितनी, 61.32. ये हो गया अपने पास 61.32. ओके डी स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है किसके लिए, Hg लिक्विड प्लस O2, हाफ ऑफ O2 प्लस हाफ ऑफ O2 इक्वल टू क्या हो गया, HgO सॉलिड हो गया. इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कैलकुलेट करना है, ये डेल्टा H कैलकुलेट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स डेल्टा H जो ये कैलकुलेट करना है, ये वाला डेल्टा H जो कैलकुलेट करना है, डेल्टा H1 इसे मान ले, इसे डेल्टा H2 मान ले. तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपने पास हो जाएगा. ठीक है, अगर हम इसे देखते हैं तो ये अपने पास अभी अभी था 151.150, ये अपने पास था 151.7 था, 151.7 था. अब इसको अपन करते हैं तो ये हो गया -151.7 प्लस कितना हो गया 61.32. तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना आ जाएगा, 90.39 किलो जूल हो जाएगा. तो 91.39 किलो जूल के आसपास इसका आंसर आ रहा है. रेंज अपने पास अगर आंसर में गिवन होगी तो 90 to 91 अपने पास रेंज अवेलेबल हो जाएगी, ये अपने पास आंसर होता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिडक्शन पोटेंशियल इन इनोड वोल्ट MnO4-2 Mn सॉलिड, और अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है इनोड ऑफ MnO4-2 MnO2, इनोड ऑफ MnO2 to Mn+2 एंड Mn+2 to Mn, ये अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है. इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, जनरली अपनी सीएलसी के मॉड्यूल और सीएलसी के नोटबुक में आपको मिल जाएगा. देखिए डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, MnO4 माइनस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है. जब MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो E की वैल्यू है 1.68 वोल्ट. सेकेंड जो MnO2 है वो देखो Mn+2 में जा रहा है तो इसकी वैल्यू अपने पास हो गई 1.2 वोल्ट. ये हो गया अपने पास 1.21 वोल्ट. ठीक है बेटा, और थर्ड अपने पास जब Mn+2 Mn में जा रहा है तो ये वैल्यू अपने पास हो गई -1.03 वोल्ट. हमें कैलकुलेट करना है MnO4-2 Mn
सॉलिड के लिए कैलकुलेट करना है, Mn सॉलिड के लिए E नॉट कैलकुलेट करना है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट डेल्टा जी से कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा जी वन इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन, प्लस सेवन से कितने में जा रहा है, प्लस फोर, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हुआ, थ्री इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो गया, माइनस थ्री एफ ऑफ 1.68। ये हो गया डेल्टा जी टू इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एफ ऑफ 1.21 वोल्ट, और ये डेल्टा जी थ्री इक्वल टू हो गया ऑल्सो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टू हो गए, तो माइनस टू एफ ऑफ माइनस 1.03 वोल्ट हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन टू जीरो, तो नंबर ऑफ डेल्टा जी इक्वल टू माइनस सेवन एफ ऑफ ई नोट। अब ये कैलकुलेट करना है तो बस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू प्लस डेल्टा जी थ्री, ओके, तो ये अपने पास हो गया माइनस सेवन एफ ऑफ ई नोट, और ये हो गया अपने पास माइनस थ्री एफ ऑफ 1.68, ठीक है, माइनस आएगा, ये भी किसमें रहेगा, माइनस टू एफ ऑफ 1.21 वोल्ट, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस टू एफ ऑफ 1.03, सेवन से डिवाइड करें, इसको सोल्व करें तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.77 वोल्ट आ रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.77 वोल्ट के अराउंड आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो का फेमस क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 0.01 मोल ऑफ ईच H2CO3, NaHCO3, Na2CO3 एंड NaOH इन 100 ml ऑफ वाटर, pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। डी स्टूडेंट्स, H2CO3, NaHCO3 बोथ आर एसिड एंड Na2CO3 इज सॉलिड। अगर अपने पास NaOH बेस हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH किससे रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H2CO3 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन NaHCO3, तो यहां पे अपने पास H2CO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, NaHCO3 प्लस H2O बना देगा। इसका भी कितना है इनिशियल मोल, इनिशियल मोल अपने पास इसका भी हो गया 0.01, इनिशियली ये 0 और 0, फाइनल अपने पास ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 0.01 हो जाएगा। डी स्टूडेंट्स, 0.01 ऑल्सो 0.01, डी स्टूडेंट्स, जो अपने पास H2CO3 है वो रिएक्ट कर चुका है और अपने पास NaOH रिएक्ट कर रहा है, कर चुका है, फाइनल सॉल्यूशन में अपने पास क्या बचा, फाइनल सॉल्यूशन में अपने पास रहा NaHCO3, इसके कितने मोल हो गए, 0.02 मोल, प्लस क्या रहा, Na2CO3, इसका कितना मोल हो गया, 0.01 मोल हो गया। डी स्टूडेंट्स, इट इज द बफर सॉल्यूशन ऑफ द NaHCO3 एंड Na2CO3, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बफर सॉल्यूशन हो गया, और pH इसके लिए कितनी हो जाएगी, pH इज इक्वल टू pKa2 प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहां से सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन से सोल्व करते हैं, तो pH इज इक्वल टू
पीके टू कितना हो गया, पीके टू 10.32 प्लस लॉग सोल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, सोल्ट है अपने पास 0.01 वॉल्यूम 100 ml, और अपने पास ये हो गया 0.02 वॉल्यूम इसका भी 100 ml, तो pH इज इक्वल टू अपने पास हो गया 10.32 माइनस लॉग 2, तो अपने पास pH इज इक्वल टू 10.32 माइनस 0.30, तो pH ऑफ सॉल्यूशन 10 पॉइंट अपने पास हो गया 10.02 अपने पास इसकी pH हो जाएगी, तो pH ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी 10.02। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑन ट्रीटमेंट ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम क्यूप्रिक नाइट्रेट विथ एक्सिस ऑफ KI रिजल्ट इन ए ब्राउन सॉल्यूशन अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पासिंग H2S थ्रू द दिस ब्राउन सॉल्यूशन गिव्स ए अनदर प्रेसिपिटेट X द अमाउंट ऑफ द X इन ग्राम कैलकुलेट करना है। डी स्टूडेंट्स, हम कहते हैं अगर अपने पास ये कॉपर नाइट्रेट है, इस कॉपर का नाइट्रेट हो गया, इसकी रिएक्शन एक्सिस ऑफ KI के साथ करवाते हैं, तो वी नो दैट फेमस रिएक्शन है, बनता है Cu2I2 प्लस I2 प्लस अपने पास बन जाएगा KNO3। अगर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये 2 मोल ऑफ आ गया, ये 4 मोल आ गए, तो ये Cu2I2 बन गया, I2 बन गया और K प्लस NO3 माइनस 4 KNO3 अपने पास बन गया। डी स्टूडेंट्स, इसका अपने पास है 3.7, इसका अपने पास हो गया 3.74 ग्राम, ये 3.74 ग्राम, इसका मोलर मास हो गया अपने पास 187, तो ये अपने पास इनिशियल जो मोल हो गए वो मोल हो गए 0.02 मोल। अगर ये अपने पास 0.02 मोल है तो इसका भी कितना बनेगा, जो प्रेसिपिटेट बनेगा 0.01 मोल बनेगा, और इसका कितना बनेगा 0.01 मोल अपने पास बनेगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। I2 जो बना है वो KI के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, I3 माइनस, या आप इसे बोल देते हैं KI3 बनाता है, ये जो होता है ब्राउन सॉल्यूशन बनाता है, ये अपने पास क्या बनाता है, ब्राउन सॉल्यूशन बनाता है। अगर इस ब्राउन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपने पास 0.01 मोल ये था, तो इसका भी कितना बनेगा 0.01 मोल बन जाएगा। अब ये जो I3 माइनस है इसमें क्या पास करें, H2S गैस पास कर रहे हैं, तो देखते हैं अपने पास I3 माइनस था मींस KI3 था, I3 माइनस में H2S गैस पास करेंगे, तो एक तो अपने पास सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एक क्या बनेगा, एक अपने पास I माइनस बन जाएगा, एक अपने पास सल्फर I2 I2 I माइनस में चला जाएगा, प्लस अपने पास 2H प्लस बन जाएंगे, 2H प्लस अपने पास बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सल्फर बैलेंस कर लेंगे, जितना मोल I3 माइनस का अपने पास रहा था, 3I3 माइनस, ठीक है, जितना अपने पास मोल I3 माइनस का रहा था सेम मोल किसका बनेगा, इसका बनेगा, ये अपने पास 0.01 मोल था तो इसका भी कितना बनेगा 0.01 मोल बनेगा, ये 0.01 मोल बनेगा मीन्स सल्फर का कितना बन जाएगा 0.01
32 ग्राम अपने को मिल जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.32 ग्राम। ये आंसर हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का, अपने पास हो गया 0.32 ग्राम अपने पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, डिजॉल्विंग 1.24 ग्राम व्हाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग एनएच सॉल्यूशन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स ए क्यू द अमाउंट ऑफ द कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंज्यूम ऑफ गैस क्यू। दी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रिएक्शन इनऑर्गेनिक की है और इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस में क्या यूटिलाइज करना चाहता है, मोल कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना चाहता है। फेमस रिएक्शंस है कि व्हाइट फॉस्फोरस P4 की रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, तो P4 का डिस्प्रोपोर्शन होता है, एक तो बनता है PH3 प्लस H2O काम आ जाता है, एक तो बनता है PH3 प्लस एक बन जाता है NaH2PO2 बन जाता है, NaH2PO2 बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो P4 प्लस NaOH, P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 H2 इज इक्वल टू अपने पास बन जाएगा PH3 प्लस 3 NaH2PO2, 3 NaH2PO2 बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखना हमारे पास जो P4 यूज आया है इसकी कितनी अमाउंट दी है, अपने पास अमाउंट दी है 1.24 ग्राम। अगर इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं तो 124 इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाता है 0.01 मोल मिल जाएगा। अब ये 0.01 मोल मिलेगा तो हम कह सकते हैं PH3 का भी कितना मोल मिल रहा है, 0.01 मोल हमें PH3 का भी ऑप्टेन होगा। आगे बोल रहा है जो ये गैस क्यों अपने पास बनी है, इस क्यों की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ करवा रहा है। कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो आप PH3 की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं CuSO4, तो क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा Cu3P2, कॉपर का फॉस्फाइड बन जाएगा प्लस H2SO4 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। अगर इस रिएक्शंस को बैलेंस करना हो तो ये तो 2PH3 लेंगे और ये 3Cu2SO4, तो ये बन गया प्लस 3H2SO4 यूज आ गया। PH3 की अमाउंट कितनी बनी थी, PH3 अपने पास बना था 0.01 मोल, यूटिलाइज करते हैं 0.01 मोल, तो कॉपर का कितना मोल यूज आएगा, कॉपर का आ जाएगा 3/2 इंटू 0.01 कॉपर सल्फेट का यूज आया। तो ये हो गया अपने पास मोल जो यूज हुए हैं, अपने पास हो गए 0.03 डिवाइडेड बाय 2। ओके, कॉपर सल्फेट का मोलर मास कैलकुलेट किया कितना आया 159, और यहां मोल को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये कितना हो गया 2.38 ग्राम अपने पास कॉपर सल्फेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, 2.2 कितना है 2.38 ग्राम कॉपर सल्फेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपने पास 2.38 ग्राम कॉपर सल्फेट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, CLC आपके लिए हर मंडे को न्यू बैच स्टार्ट कर रही है IIT JEE टारगेट के लिए। आप लोगों ने टेस्ट में पेपर में अच्छा अचीवमेंट किया है, अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कॉलेज और ब्रांच नहीं मिलती है तो CLC आपके साथ प्रयासरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेक्शन टू में आपके पास वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम आपके सामने गिवन है, फुल पार्शियल मार्किंग है। पार्शियल मार्किंग का मतलब 4, अगर आपका कंप्लीट सही होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे,
पार्शियल मार्किंग में थ्री का भी ऑप्शन है, प्लस टू का भी ऑप्शन है, प्लस वन का भी, और जीरो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, और माइनस टू कोई भी एक ऑप्शन आप गलत चूज करेक्ट कर देते हैं, तो पार्शियल मार्किंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसमें करेक्ट रिलेटेड टू द एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रखा है कीमो एब्जॉर्प्शन रिजल्ट इन ए यूनिमोलिकुलर लेयर। डी स्टूडेंट्स, कीमो एड्सॉर्प्शन में सरफेस पे एक ही लेयर बनती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि कीमो एड्सॉर्प्शन इज ए यूनिमोलिकुलर लेयर। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फिजो एड्सॉर्प्शन इन द अलोंग टू 100 टू 140 किलो जूल। डी स्टूडेंट्स, ये 100 टू 140 किलो जूल गलत स्टेटमेंट है, ये नियर अबाउट 20 टू 40 या 50 किलो जूल के अराउंड होती है फिजियो एब्जॉर्प्शन में। कीमो एब्जॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नो एड्सॉर्प्शन चाहे फिजियो एड्सॉर्प्शन हो और चाहे कीमो एड्सॉर्प्शन हो, एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर द फिजियो एब्जॉर्प्शन। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिजियो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फेवर्ड होता है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मैचिंग टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैचिंग टाइप क्वेश्चन में द मैच द रेट एक्सप्रेशन इन लिस्ट फर्स्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स विथ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोफाइल प्रोवाइडेड इन लिस्ट सेकेंड, एक्स एंड आर रेट कॉन्स्टेंट अप्रोप्रिएट यूनिट। डी स्टूडेंट्स, इसमें गिवन है रेट ऑफ रिएक्शंस अंडर द ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स। सेकेंड है रेट अपने पास है वेयर द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन एक्सेस ऑल पॉसिबल यूनिट के लिए, तो इस फॉर्मूले को अपने को डिराइव करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेटेड करके हमें सोल्व करना पड़ेगा कि क्या आएगा। सेकेंड, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज मच लेस देन एक्सेस, एक्स है बहुत कम है, ये बहुत कम है, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज मच हायर, ये अगर मच हायर हो गई तो ये नियर अबाउट जीरो हो जाएगा, तो कौन से ऑर्डर की होगी? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ये अपने पास व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज मच हायर, ये मच हायर हो गई तो पावर कैंसिल हो गई और अपने पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ये अपने पास गिवन है, इसको अपन चेक कर लेते हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो हाफ लाइफ क्या रहेगा? कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और अपने पास जो एलन एक्स और टाइम के बीच कर्व आएगा वो सही होगा, तो इसका क्या हो सकता है? क्यू और टी आंसर हो सकता है। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है, जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा हो रहा है? एस वाला कर्व इसके साथ करेक्ट मैच कर रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर है तो क्यू और टी हो सकता है। चेक करते हैं फर्स्ट वाले में क्यू हो सकता है, तो ये वाले सेकंड वाले में क्यू और टी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं। थर्ड वाले में क्या हो सकता है? एस हो सकता है, इसमें एस हो नहीं सकता, तो ये फोर्थ वाले में टी, इसमें क्यू भी हो सकता है, इसमें क्यू भी हो सकता है, ये तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इस ऑप्शन को हमें चेक करना है, हम चाहें तो आंसर तो यहां से लॉक कर सकते हैं, बट इस ऑप्शन को चेक करना हो तो इसको इंटीग्रेटेड करना होगा फर्स्ट वाले ऑप्शन को। dx अपॉन dt इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा k x और अपने पास x s प्लस x, इसे अगर ऑल पॉसिबल कंसंट्रेशन के लिए इंटीग्रेट करना पड़े तो इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास जो टी हाफ आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एक्स अपॉन के एलन टू प्लस वन अपॉन टू के एक्स नोट। ये अपने पास टी हाफ लाइफ का ग्राफ बनेगा, वो वाई इज इक्वल टू
mx plus c का कर्व बन जाएगा। तो mx plus c का कर्व बन गया, तो कौन सा आ जाएगा, p वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ आरसी देवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 28 अगस्त को जेई एडवांस का पेपर हो चुका है। होपफुली सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा और उसी पेपर के सॉल्यूशन से रिगार्डिंग हम आपसे आज रूबरू हो रहे हैं। आपकी अपनी सीएलसी की एक अलग पहचान है, सीएलसी एक विश्वास का नाम है। सीएलसी जेई और नीट दोनों में पैरेलल अपना काम करती है। जेई का एक अलग सेपरेट पूरा बिल्डिंग है, उसकी एक पूरी अलग टीम है। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, होपफुली अच्छा हुआ होगा, नहीं हुआ है तो भी आपको आपकी अपनी सीएलसी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हर मंडे को एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बीच बीच में बातें और चलती रहेगी, पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन से। पेपर फर्स्ट की बात करेंगे और मैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। अब पेपर का पूरा एनालिसिस करें तो पेपर, ओवरऑल पेपर देखें तो ना बहुत ज़्यादा टफ था, ना बहुत ज़्यादा इजी था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी पीजी थे, मतलब इतने इजी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन कनेक्ट होकर आया है। जैसे मैं पॉलीमर के क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत इजी एनसीईआरटी की लाइन से आई है। रिएक्शंस जो आई है, ऑलमोस्ट रिएक्शंस जो आई है वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट आई है और वेल नोन रिएक्शंस आई है, जो पिछली बार भी आईआईटी के कई पेपरों में वो क्वेश्चंस उस रिएक्शन से रिगार्डिंग आ चुके हैं। बट इस बार जेई ने जैसे लास्ट ईयर हुआ था, इस बार भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। ऑर्गेनिक के पेपर में, मतलब ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में फिजिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट इंक्लूड हुआ है और फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस भी इंक्लूड हुई है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता रहा कि जिस बच्चे की फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छी है बट ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है तो वो क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाएगा, और अगर ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है और फिजिकल अच्छी नहीं है तो वो क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखते हैं ओवरऑल पेपर का क्या व्यू रहता है, कैसा पेपर रहा है, उसका पूरी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट है उनको मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट पेपर का सेक्शन फर्स्ट क्या है। हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 24 है और इसमें 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है आपकी वैल्यू पॉइंटों में आ सकती है, आपको नियरेस्ट इंटीजर में उसका आंसर नहीं देना है, यहाँ पे पॉइंट्स में ही आंसर देना है। जैसे यहाँ पे सब कुछ बोला हुआ है कि ये राउंड ऑफ वैल्यू आप कर सकते हो, 2 डेसिमल तक आप राउंड ऑफ उसको कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन यहाँ करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर फर्स्ट में केमिस्ट्री के पार्ट में, वो क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन, बट थोड़ी सी इसमें यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, बट वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल सी फिजिकल केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन को कंसीडर करना है। एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस Br2 से करवाई है और R एक मेजर प्रोडक्ट बना है। ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1.00 ग्राम ऑफ R, मतलब R जो बना है उसका कितना यूज में लेना है आपको, 1.00 ग्राम आपको यूज लेना है। और कौन सा मेथड लेते हैं, केरियस मेथड, आपको पता है केरियस मेथड हेलोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज में लेते हैं, सल्फर के एस्टिमेशन के लिए भी इसी मेथड को यूज में लेते हैं। एनसीईआरटी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मेथड्स पूरे डिटेल से दिए हुए हैं। ऑलराइट, फिर बोला है द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्मड इन ग्राम, कि यहाँ AgBr का कितना अमाउंट बनेगा उसकी बात करें। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन पे अप्रोच करना है, रिएक्शन को करवाना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, रेड फास्फोरस मतलब फास्फोरस की रिएक्शन करवाई है Br2 से, तो हमारे पास बन गया PBr3। तो स्टूडेंट यू वेल नोन कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ PBr3, एल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं PBr3 से तो हमारे पास बनता है RBr बनता है और साइड में H3PO3 बनता है। उसी रिएक्शन को यूज में लेते हुए हम ये रिएक्शन करने वाले हैं। ये हमारे पास एल्कोहल है, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि ये जो कंपाउंड आपको गिवन है,
जो ये वाला कंपाउंड आपको गिवन है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे Br लगा हुआ है। ये रेड फॉस्फरस Br2 मतलब P प्लस Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, और इसका जो OH है वहां पे Br सप्लाई हो जाएगा। बैलेंस अगर इक्वेशन लिखे हम तो इसके तीन मोल ऑप्टेन होंगे, अगर इसके तीन मोल हम ले ले तो यहाँ पे ये Br ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है AgNO3 से। बाइकेरियस मेथड में एस्टिमेशन क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्टेड बनाते हैं उसके बाद AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जितने ब्रोमीन एटम हैं वो सब के सब प्रसिपिटेड होंगे, जितने ब्रोमीन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैं वो सब के सब ब्रोमीन प्रसिपिटेड होंगे। तो यहाँ पे इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है AgNO3 से, और AgNO3 से करवाने के बाद आपको पता है एक Br यहाँ पे है एक Br यहाँ पे है तो 2AgBr आपको ऑब्टेन होगा। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1.00 ग्राम आर यूजिंग, आर आपको कितना लेना है 1.00 ग्राम यूज में लेना है, तो पहले इसके मोल हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके मोल कितने आएंगे, तो उसके लिए मुझे इसके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मोलर मास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मोलर मास मुझे कैलकुलेट करने के लिए इसमें 6-7 कार्बन एटम है, C7 हो गए, ठीक है, और एक Br एटम है, है ना, एक Br एटम है, तो Br का हमें दिया हुआ है 80, C7 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हाइड्रोजन यहां पे हो गए और एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया और एक यहां पे हो गया, मतलब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी हमारे पास 7 हो गए, नहीं सॉरी ये 7 नहीं, हमें इसका करना है ना आर, तो ये बना है ये वाला, तो ये सॉरी ये वाला आर हमें इसका कैलकुलेट करना है, इसका हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो इसको देखते हैं, सी यहां पे सी 7 हो गया, ओके, उसके बाद हाइड्रोजन इसमें 4 हो गए, एच 4 हो गया और दो हाइड्रोजन यहां पे है तो 6 हो गए, भाई दो हाइड्रोजन ये भी हो गए ना, ये दो हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन यहां वाले, तो टोटल कुल मिला के अपने पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और दो बी आर है बी आर 2। इसका मोलर मास निकालेंगे तो 12 है इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1 प्लस बी आर का हमें दिया हुआ है 80 इंटू 2, इसका सम करेंगे, इसका आप सम करोगे तो आपके पास इसका मोलर मास आएगा, वो आएगा 250, कितना मोलर मास आया 250 मोलर मास ऑब्टेन हुआ। अब इसके मोल बना लेंगे, 1 ग्राम आपको दिया हुआ है तो R के जो मोल होंगे ना, R के मोल होंगे R मोल ऑफ R, मोल ऑफ R वो हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 250, 1 ग्राम मोलर मास कितना है 250। अब हमें पता है कि इसका 1 मोल 2 मोल AgBr देता है, 1 मोल 2 मोल AgBr देता है, तो इतने मोल इतने दे देंगे, मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 2, ये हमारे पास क्या आ गया AgBr मोल, ये क्या आ गया अपने पास मोल ऑफ AgBr, इसको हम सोलो कर लेंगे, तो यहां से सोलो करेंगे तो अपने पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 125 मोल ऑफ AgBr, इतने AgBr के मोल अपने पास ऑब्टेन होंगे। बट हमसे पूछा क्या है, AgBr पूछा है इन ग्राम, तो इसको मोलर मास से क्या कर देंगे हम कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से इतने मोल हुए हैं, AgBr का मोलर मास कितना हो गया, AgBr का मोलर मास कितना होगा, Ag का दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, बोलो हाँ कि ना, और Br का दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो बोलो कितना हुआ 188 हो गया। अब इसका हमें टोटल ग्राम में निकालना है, कितना ग्राम बना, तो मोल इंटू मोलर मास, तो मोल है अपने पास 125 डिवाइड 125 इंटू एक AgBr का मोल हो गया, वो हो गया 188। इसको पूरा हम सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1
50. That means this will be answer. ठीक है, होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत इजी सा है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन करवाई है एल्कोहल की, मतलब पीबीआर से यहां बीआर लग गया, ये वाला कंपाउंड अपने पास आर बन गया। आर का बोला है कि 1 ग्राम आर अगर यूज लें तो कितने ग्राम एजीबीआर का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए हमने इसके पहले क्या कर लिए, इसके मोल बना लिए। 1 ग्राम का मतलब इसका मोलर मास निकाला, तो मोलर मास इसका 250 आया और हमें दिया हुआ है 1 ग्राम, तो 1 / 250 ये इसका क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। इतने मोल हमें पता है कि यहाँ के इसका 1 मोल 2 मोल एजीबीआर देता, तो इतने मोल कितने देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो एजीबीआर के कितने मोल बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे। इसको सोल्व किया तो इतने मोल ऑफ एजीबीआर आ गए। इसका हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एजीबीआर के मोलर मास से, तो आंसर आ गया 0.150। इजी पीजी क्वेश्चन मानता हूं, कोई बहुत बड़ी कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगा, सिंपल सी कैलकुलेशन और कैलकुलेशन भी इजी। अरे भैया जेई आपका कंसेप्ट चेक करना चाहती है, जेई आपसे मजदूरी नहीं करवाना चाहती, वो आपसे लेबर वाला काम नहीं करवाना चाहती, उसको कैलकुलेशन केमिस्ट्री में नहीं देनी है। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वही एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरा, कुछ भी चेंज नहीं किया अगले ने, बस यहां थोड़ा सा चेंज ये किया कि उसने इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है, यहां पूछा वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्यों प्रोडक्ट आपके पास क्यों बनेगा, उस क्यों में हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज कितना है। तो आपको पता है बहुत इजी सा है, तो सबसे पहले रिएक्शन करवा लेते हैं। NaOH 623 केल्विन 3 ATM पे जब रिएक्शन करेगा क्लोरोबेंजीन, तो मैं पहला रिएजेंट डालता हूं NaOH, है ना, उसके बाद 623 हेलो का हेलो एल्केन में ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, 3 ATM आपको दिया हुआ है, और यहां पे आपके पास बनेगा सबसे पहला कंपाउंड, वो बनेगा फिनोल, है ना, फिनोल बन जाएगा। फिनोल की रिएक्शन करवाई कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3, तो यू नो सब जानते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, ट्राई नाइट्रेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, ट्राई नाइट्रेशन होने वाला है। ट्राई नाइट्रेशन का मतलब हमारे पास क्या बनने वाला है, ये वाला बनने वाला है NO2 और ये NO2, वेल नोन कंपाउंड है, सभी जानते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड इस कंपाउंड का नाम है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड। तो ये हमारे पास क्यों प्रूफ आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज क्या है, तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, मोलर मास ऑफ क्यों, मोलर मास ऑफ क्यों, तो इसका फॉर्मूला लिखें, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6 हो गए, 6 कार्बन हो गए, है ना। हाइड्रोजन देखो एक यहां पे है, एक यहां पे, एक यहां पे, 3 हाइड्रोजन है C6H3। नाइट्रोजन कितने हो गए, 3 नाइट्रोजन हो गए N3। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास 7 हो गए। इसका मोलर मास निकालेंगे, इस फॉर्मूले का वैल्यू आपको दी हुई है, तो यहां 12 × 6 हो जाएगा, है ना, कार्बन का 12 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 3 × 1 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का 14 × 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 7 हो जाएगा। इस पूरे को आप कैलकुलेट करके लाओगे तो आपके पास आएगा 229। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी है, क्यों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन क्यों, तो देखो यहां पे कितनी है, है ना, यहां पे अगर बात करें तो एक हाइड्रोजन यहां पे है और एक हाइड्रोजन यहां पे है और एक हाइड्रोजन यहां पे है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है अपने पास, केवल 3 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू 3 डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास 229, है ना, इंटू 100, ये आ जाएगा आपके पास वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, है ना,
यहां से आपके पास आ जाएगा कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास। तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.31 ग्राम, है ना। कितना परसेंट पूछा है, वेट परसेंटेज पूछा है, तो 1.31 आपके पास वेट परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन, रिएक्शन लगाओ, थोड़ा सा हल्का सा फिजिकल लगाओ, स्टाइकियोमेट्री लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, स्टाइकियोमेट्री की भी जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब इसको टफ नहीं मानूंगा मैं, मॉडरेट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फिजिकल अटैच कर दिया, बट बच्चा इजी वे में कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 15 मोल ऑफ एसिटाइलीन और द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डीफॉर्म्ड इन ग्राम ईच, इस वाले कंपाउंड का आपको अमाउंट बताना है कि ये वाला कंपाउंड अमाउंट कितना बनेगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या मतलब है। इसके 15 मोल दिए हुए हैं अपन को, 15 मोल दिए हुए हैं, और आयरन ट्यूब रेड हॉट वेल नोन रिएक्शन है, वेल नोन रिएक्शन है, बेंजीन बनेगी, एनसीईआरटी 11th क्लास हाइड्रोकार्बन एल्काइन की रिएक्शंस है, बेंजीन बेंजीन बनाने का मेथड है, और 80% बन रहा है। फिर इसकी रिएक्शन करवाई है यहां पे, तो ए तो आपकी बेंजीन बनेगी, है ना। पहले सिंपल सिंपल रिएक्शन को हम देख लेते हैं, ये वाली आपकी बेंजीन बनेगी। फिर यहां से AlCl3 की प्रेजेंस में तो आपको बताया ये Cl जाएगा, है ना, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला, इसमें 1-2 क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये फाइनली इस फॉर्म में चला जाएगा, है ना। फिर ये जाके इस पे बेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले रिएक्शंस को करते हैं, उसके बाद मोल की बात करते हैं। तो यहां पे देखो, हम यू नो सबको पता है कि 3 मोल एसिटाइलीन 3HC ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मोल एसिटाइलीन रेड हॉट आयरन ट्यूब में क्या बनाती है, बेंजीन बनाती है, वेल नोन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है। बट हमारे पास यहां 15 मोल दिए हुए हैं, ठीक है, तो 3 मोल एक बेंजीन बनाती है, तो 15 मोल 5 बेंजीन बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बताओ, 5 बेंजीन बनाएगी। बट ये बोल रहा है कि यहां 100% यील्ड नहीं आ रही है, इसका यील्ड कितना आ रहा है, 80% आ रहा है, कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। तो यहां हम लिखेंगे कि रिएक्शंस जो हुई है, पहले यहां बेंजीन बनी थी, बेंजीन कितनी बनी उसकी बात करेंगे, उसके बाद यहां से जो रिएक्शन हुई इससे ये वाला बन गया, इसका क्यूमीन बोलते हैं, वेल नोन रिएक्शन है, फिर ये O2 है ना, और फिर इसके बाद हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से यहां तक, और माइनस CH3CO और ये CH3 बाहर हो गया। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, क्यूमीन क्यूमीन हाइड्रोजन परोक्साइड रीअरेंजमेंट, कौन सी रिएक्शन है, क्यूमीन हाइड्रोजन परोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, फिनोल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, फिनोल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, और यहां से सी आपके पास जो आने वाला है ना, वो आने वाला है फिनोल, और फिर फिनोल की रिएक्शन करवाई है CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो ये रिएक्शन हो जाएगी एसाइलेशन, है ना, और ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और फाइनली आपके पास यहां आ जाएगा ओ फिनाइल एसीटेट, दिस इज कॉल्ड फिनाइल एसीटेट, ये आपका डी प्रोडक्ट है, ये आपका डी प्रोडक्ट है। अब आपसे यहां से बात की हुई है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं यहां से 100% यील्ड नहीं आ रही, ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे कि 3 मोल है ना, गिव 1 मोल बेंजीन C6H6,
ठीक है, 3 मोल इतने देते हैं, तो 15 मोल, 3 मोल से एक बेंजीन बनती है, तो 15 मोल से कितनी बनेगी, तो 15 मोल कितने देंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितनी, 5 बेंजीन। बट वो बोल रहा है 100 प्रिंसिपल ये नहीं आ रही है, 80% आ रही है, तो यहां हमारे पास इतने मोल का 80% बना है, इतने मोल का क्या बना है, 80% बना है, तो मैं यहां लिखूंगा 15 80%, ये ए है ना आपका, ये 15 डिवाइडेड बाई 3, इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 80% मतलब 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इतना ही तो यील्ड मिला है 80%, तो इसको हम सोलो करके लाएंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, बोलो बात सही। चलो अब फिर बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन जब इससे करवाते हैं तो बी बनता है, ये वाला अपना बी है, और बी कितना परसेंट बना, 50%, कितने का, 4 का 50% बन रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 × 50% मतलब डिवाइडेड बाई 100, यहां से आप सोल्व करके लाओगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 2। फिर इसकी रिएक्शन करवाई तो फिनोल बना, और इसका कितना परसेंट बोल रहा है, 50%, कितना बोल रहा है, 50%, तो 2 का 50% का मतलब क्या हुआ, 2 50 डिवाइडेड बाई 100, यहां से हम सोलो करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ये अपने पास क्या था, ये वाला प्रोडक्ट कौन सा था, ये वाला प्रोडक्ट सी है, सी के बाद ये डी बना, और डी की 100% यील्ड आ रही है, इसका मतलब इसका कितना मोल बना, 1 मोल बना। इतनी बात समझ में आ गई, वापस से समझ ले, इसके मोल कितने हैं, मैंने बोला 3 मोल एक मोल बेंजीन देती है, तो 15 बाई 3 मोल, क्योंकि 15 दिए हुए हैं, 15 बाई 3 का कितना परसेंट यील्ड हमें ए मिला, 80%, तो 15 बाई 3 × 80 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ 0.8 ले लो, बात एक ही है। फिर यहाँ से 4 मिला, 4 का 50% मिला, फिर 2 का 50% मिला, और यहाँ इसका 100% मिला, मतलब फिनाइल एसीटेट का पूरा 1 मोल ऑब्टेन हुआ है। ओके, इजी पीजी। चलो अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन ग्राम, कि इसका टोटल अमाउंट कितना बनेगा, तो यहां तक समझ में आ गई, फिनाइल एसीटेट फाइनली अपना डी प्रोडक्ट आ चुका है, समझा गया, और पूरा 1 मोल मिल गया, मतलब 100% यील्ड आ गई है, तो 1 मोल मिल गया है। तो अब आप समझो बात को, देखो मैं साफ करता हूं, हमारे पास ये बन गया, फिनाइल एसीटेट बन गया, फिनाइल एसीटेट बन गया, फिनाइल एसीटेट, इसका फॉर्मूला निकालो, हमें ग्राम में बताना है ना, 1 मोल मिला है ना, तो 1 मोल है तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो कार्बन कितने हैं इसमें, 8 कार्बन है, C8 बोलो है कि नहीं है, 8 कार्बन है कि नहीं है इसके पास, 6 और 2 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, हाइड्रोजन एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे और एक यहां पे, तो 5 और 3 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है इसमें, 2 ऑक्सीजन है। फाइनली ये हमारे पास बना है C8H8O2, इसका हमें मोलर मास निकालना है, तो 12 × 8 + 8 × 1 + 16 × 2 सोलो करेंगे, 136 ग्राम हमारे पास ऑप्टेन होगा, दैट मीन्स दिस विल बी आंसर। ओके, तो यहां पे ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए जेई ने, अगर मैंने इस पेपर को अगर ऑब्जर्व करें ढंग से, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर बच्चा ढंग से लगा के जाए, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर बच्चा ढंग से लगा के जाए तो इसको इजी वे में सोल्व कर सकता है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन 2 हमारे पास चालू हो गया है, मैक्सिमम मार्क्स वही 24 है, और 1 or more than 1 दीज ऑप्शंस, यहां से एक से ज्यादा आंसर आपके पास आएंगे, ये पार्शियल मार्किंग्स दी हुई है, ये बहुत इजी काम हुआ है, पार्शियल मार्किंग से जेई के स्टूडेंट को काफी फायदा हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ऑर्गेनिक के पार्ट की हम बात करेंगे, इनऑर्गेनिक, फिजिकल,
इनऑर्गेनिक मेटलर्जी, ये लो ऐसे कंसेप्ट में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। एमिनो एसिड बनाने के मेथड्स में पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब कुछ कनेक्ट किया है इसमें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चंस को हम देखना स्टार्ट करते हैं। वही सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ आपको है ना, कंसिडर द रिएक्शन सिक्वेंस गिवन बिलो इन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोला है। तो एक एक स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे, पहले रिएक्शन करवा लें। ओके तो यहां पे Br2 रेड फास्फोरस, ये पता एक नेम रिएक्शन है एनसीईआरटी की, और उस नेम रिएक्शन का नाम है HBZ रिएक्शन। सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, चाहे स्कूल का हो चाहे कोचिंग का हो, HBZ रिएक्शन वेल नोन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की है ना, और ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो भैया जेई एडवांस भी एनसीईआरटी फॉलो करता है, ऐसी बात नहीं है एनसीईआरटी नहीं फॉलो करता है। तो ये पूरी रिएक्शन HBZ रिएक्शन है, और HBZ रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हेलोजन से सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। तो यहां पे पी जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है CH3CH, ये Br और ये COH। इसके बाद वापस से ये एक नेम रिएक्शन है, ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और यहां से जो नेम रिएक्शन है ना वो है गैब्रिल थैलीमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड सिंथेसिस, ये वाली रिएक्शन है गैब्रिल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। यू नो मैकेनिज्म इज SN2। तो पहले जो कंपाउंड बना ना यहां पे अपने पास वो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O N, N ने अटैक किया उस पर CH CH3 CO है ना, और ये OH। अब इसका NaOH मतलब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस पहले बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया, फिर एसिडिफिकेशन कर दिया, क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिड सॉल्ट फॉर्म में चला जाएगा तो फिर H3O प्लस से फिर वापस से H सप्लाई की, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इसका। तो यहां से हाइड्रोलाइसिस होगा H में, मैकेनिज्म नहीं बता रहा, डायरेक्ट ही बता रहा हूं OH। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, फाइनली जो प्रोडक्ट अपना जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला अपना Q है। तो Q प्रोडक्ट क्या है, CH NH2 CH3 और ये COH, एक वेल नोन एमिनो एसिड बन गया जिसका नाम है एलानिन। पढ़ा होगा ना, तैयारी की है तो ये भी पढ़ा ही होगा, एलानिन। ओके चलो, अब ये क्योंकि रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट बताने हैं कि इनमें से पी क्या है, क्यों क्या है। पी कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल यूजिंग NaBH4। क्या मैं ये जो अपना पी बना है, ये वाला जो पी है है ना, क्या मैं इसको NaBH4 के साथ प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस करना कर सकता हूं? जी नहीं, NaBH4 एसिड का रिडक्शन नहीं करता। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में बता दूं, NaBH4 एसिड और एसिड डेरिवेटिव में ओनली और ओनली एसिड हैलाइड का रिडक्शन करता है। तो यहां रिडक्शन होगा ही नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो तब ये 1 डिग्री एल्कोहल में जाए, बट NaBH4 तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता ही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं आएगा साहब। ट्रीटिंग पी विथ कंसेंट्रेट NH4 सॉल्यूशन फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन गिव्स क्यू, पी जो है उसको कंसेंट्रेटेड NH4, पी वही वाला है अपने पास है ना, पी ये वाला ही है CH3 CH Br COH, ये वाला ही है क्यों बोलो। इसकी अगर मैं कंसेंट्रेट NH4O सॉल्यूशन से फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन रिएक्शन करवाऊं तो कंसेंट्रेटेड NH4OH का मतलब हो गया NH3 न्यूक्लियोफाइल हो गया, अटैक करेगा Br को, क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और एसिडिफिकेशन तो पहले ये बना CH NH2 और ये CO- उसके बाद एसिडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला क्यों बन जाएगा, ये तो है अपना क्यों, ये क्यों बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है,
सेकेंड स्टेटमेंट सही है. ओके SN2 हो गई NH3 NH4 OH सॉल्यूशन, मतलब यहां अमोनिया क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सेकंड है. ट्रीटिंग क्यू विद सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 इन एक्वस एसिड लिब्रेट N2, तो क्यों ये है, इसको आपको पता है NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करवाते हैं, NaNO2 और प्लस HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या पहले एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, पहले ये बनेगा CH3CH N2 प्लस Cl माइनस और ये COH. आपको पता है ये तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो तुरंत कौन सी गैस लिब्रेट कर देगा, N2 गैस लिब्रेट कर देगा. ये तो टेस्ट है ना, प्राइमरी एमीन का, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन को इस टेस्ट से हम एरोमेटिक एमीन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. एरोमेटिक एमीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगी बट वो स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, बट एलिफेटिक एमीन डाइजोनियम सॉल्ट बनते ही वो डिकम्पोज हो जाएगा और कौन सी गैस लिबरेट होगी, N2. ये भी एनसीईआरटी से, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है. ठीक है, तो N2 ये स्टेटमेंट सही है. फिर थर्ड बोला है P इज मोर एसिडिक देन CH3CH2COH. ये तो बहुत सिंपल है कि P जो है उसमें Br का क्या लगा है, माइनस आई लगा है, और माइनस आई लगता है तो एसिडिटी बढ़ती है, यू नो. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें माइनस आई नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि CH3CH2 और ये COH है ना, इससे ज्यादा एसिडिक हो गया ये वाला, और होगा कि नहीं होगा तुम बोलो. जीओसी में कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन, इसका माइनस आई लगा, एल्फा हेलो एसिड आर मोर एसिडिक देन अदर एलिफेटिक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. मतलब मल्टीपल चॉइस आंसर जाएगा 2, 3, 4, और इसमें एनसीईआरटी टोटली एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, एनसीईआरटी इंक्लूड की है 100%. ओके चलते हैं नेक्स्ट पे. चलो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिएक्शन रिगार्डिंग की है ना, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला है. कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ओके, और यूं ये बनाया है, द करेक्ट ऑप्शन इज आर. ओके थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं और इसको सोचें और देखें, तो यहां पे हमें पता है कि CH3 अगर केमोनोफोर KOH से ऑक्सीडाइज होता है तो ये डायरेक्ट COH में आता है कि नहीं आता है, हमें NO2 को रिमूव करना है और CH3 पे केमोनोफोर के, भाई NO2 को रिमूव कर दो, CH3 पे केमोनोफोर KOH हीट डाल दो, ये COH में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, फेमस रिएक्शन है, हो जाएगा, एनसीईआरटी में रिएक्शन है. बट तो NO2 को कैसे हम डिसअपीयर कर सकते हैं, तो NO2 में डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, वहां पे H सप्लाई कर दो, डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बना दो. ठीक है चलो देखते हैं क्या ऑप्शंस हमारे पास आने वाले हैं. चलो चलो चलो, हाँ जी, सबसे पहला एक ऑप्शन चेक करते हैं, PH2PD एथेनॉल. अगर ये डालता हूं मैं इस पे P डालता हूं, तो मैं एक एक सीक्वेंस को बता रहा हूं, आप ढंग से देखें. P अगर मैं इस पे डालता हूं, P मतलब P मैंने लिया H2PD एथेनॉल है ना, तो क्यों NO2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और क्यों आपके पास बन जाएगा ये वाला CH3NH2 रिडक्शन. फिर R NaNO2 HCl, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, NaNO2 HCl. अरे भाई जल्दबाजी में काम हुआ है, पेपर आया आज, 30 हुई है, 28 को पेपर आया, 30 को सॉल्यूशन दे रहे हैं, पेपर प्रिंट भी हुआ है, मतलब पहले हमने कंपोज भी किया है, पेपर प्रूफ रीड भी हुआ है, उसके बाद हम सॉल्यूशन दे रहे हैं. ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट का वीडियो आप देख रहे हैं, CLC है. चलो देखते हैं, NH2 R R NaNO2 HCl डाइजोनियम सॉल्ट, NaNO2 और HCl, तो S क्या बना, S बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, ये वाला S हो गया है ना. फिर इसकी रिएक्शन कराई H2O से, तो स्टीम पास आउट करने पे फिनोल बनता है, पता है
है ना, ये ओ एच और ये बना आपका टी और ये आपका एस है, एक एक लाइन दिख रहा हूं मैं, ये आपका क्यू है। और इधर यू क्या रिएजेंट लूं जिससे ये वाला बन जाए, ठीक है। चलो तो H3PO2 यू H3PO2 लोगे तो डाइजोनियम सोल्ट पहले बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसके साथ CH3 लगा हुआ है, श्योरी यहां भी CH3 लगा हुआ है, माय मिस्टेक एक्सेप्टेड CH3 मिस हो गया था, लगा दिया ऐसा, आपके पास ये बन गया। अब यू आपने क्या डाला, H3PO2 डालोगे तो डाइजोनियम सोल्ट किस गया, यहां क्या सप्लाई हो जाएगा, H सप्लाई हो जाएगा है ना, और K1O4 KOH हीट डालोगे तो CH3 किस में चला जाएगा, COH में चला जाएगा। तो इस सीक्वेंस से हम यू सही है, PH2PD एथेनॉल से इसमें चला गया है ना, एमीन में चला गया, NaNO2HCl से S बन गया, डाइजोनियम सोल्ट बन गया, ओके। फिर H2O डाला तो ये बन गया, तो H2 की रिगार्डिंग कोई बात नहीं की अपन से। फिर यहां यू ये बोल रहा है कि H3PO2, जी हाँ H3PO2 N2HCl की जगह S सप्लाई करेगा, बेंजीन बनेगा। फिर K1O4 KOH हीट पता है ना, CH3 को COH में कन्वर्ट कर देगा। तो पहला ऑप्शन सही है भैया, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड SNHCl P, तो भैया आपको पता है ना, ये तो पढ़ते हैं ना कि SNHCl NCERT में दिया हुआ है, FeHCl ZnHCl ये तीनों ही NO2 ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, किसमें, NH2 में, वेल नोन रिएक्शन है ये तो वेल नोन रिएक्शन है। तो यहां ये वाला हो जाएगा, तो ये H2PD की जगह ये भी ले सकते हैं, तो यही बन जाएगा। फिर HNO2, तो बात एक ही है क्योंकि NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HNO2। फिर S की बात की है, क्या S अपने पास ये है, तो ये भी सही है। फिर S की बात की है, S ये वाला बना है, जी हाँ ये वाला बना है, T ये वाला बना है, जी हाँ बने वाला है। U क्या इससे U, जी हाँ आपको मैं बता दूं, काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन, N2+Cl- है ना, आप H3PO2 ले लो है ना, आप C2H5OH ले लो, या फिर आप HCOH ले लो, या फिर SnCl2+NaOH ले लो। ये जब मैंने क्लास में पढ़ाया है तो न जाने कितनी बार लिखा होगा इस रिएक्शन को, बार बार लिखता हूँ कि ये बनते हैं। तो ये सब इसको, ये सारे रिएजेंट इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे H सप्लाई करते हैं, तो ये भी कर देगा, फिर वही K1O4 से बन जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। क्यों नहीं COH नहीं बना है, ये नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया है, तो फोर्थ को छोड़ के बाकी सभी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड NCERT। अच्छा ये बताओ NCERT से बाहर का कौन सा रिएजेंट है, सिंगल रिएजेंट NCERT से बाहर का नहीं है, सिंगल रिएजेंट NCERT से बाहर का नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन 3 में अपन आ गए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक वाले पार्ट की, फिजिकल आ गया, ये इनऑर्गेनिक आ गया, ये इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, ना जी ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है ये, बट बच्चा इन थोड़ी सी चीजों को अवॉइड करता है। POC नाम का टॉपिक है ये, सेकंड क्वेश्चन है उससे, और साथ के साथ इसने रिएक्शंस, मतलब एक तरह से आपके लैब मैनुअल का जो सिलेबस है ना, उससे ये क्वेश्चन आया है। कई बच्चों को पता नहीं होता कि लैब मैनुअल का भी एक सिलेबस पैरेलल में चलता है, तो आप NCERT का लैब मैनुअल सिलेबस की तैयारी करिए। ये मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप चाहे JEE मेन और JEE एडवांस का जब पेपर देने जाएं तो लैब मैनुअल सिलेबस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं हम। एनिलीन क्या होता है बताओ, एनिलीन को तो होपफुली सभी जानते होंगे, एनिलीन ये वाला कंपाउंड एनिलीन होता है ना, और ऑर्थोक्रिसोल ये वाला होता है सिस्टीन, एक एमिनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड SH, ये और NH2COH, और केप्रोलेक्टम क्या होता है, ये वाला होता है,
1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ा ना, कैप्रोलैक्टम नायलोन 6 की मोनोमेरिक यूनिट होती है, नायलोन 6 की मोनोमेरिक यूनिट होती है। चलो अब हमें इसी को ऑप्शन चेक करना है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको चूज करना है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्टेड ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विद एपीएसओ4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद कंसंट्रेटेड एसओ4 गिव प्रशियन ब्लू कलर। लेसानेट टेस्ट हम पढ़ते हैं, पीओसी का पार्ट है, लेसानेट टेस्ट पढ़ते हैं। ये टेस्ट किसका है? नाइट्रोजन हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, क्योंकि अगर उसमें नाइट्रोजन है कंपाउंड में तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेट में रिएक्ट करके NaCN बनाएगा। फिर NaCN जो है वो FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, और FeCO4 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा Na4FeCN और ये 6। पर जब कंसंट्रेट एस्टोसोपोर डालोगे तो कुछ Fe+2 Fe+3 में चला जाएगा, Fe+3 में, और जैसे ही Fe+3 में जाएगा आपके पास बनेगा Fe4, है ना, FeCN6 का होल थ्राइस। दिस इज प्रशियन ब्लू कलर। तो नाइट्रोजन हैविंग कंपाउंड ये वाला टेस्ट देंगे, तो जैसे नाइट्रोजन हैविंग इसमें भी है तो ये भी देगा, ये भी देगा, बट ना ना ना, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, और सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो HCN का फॉर्मेशन होता है, ब्लड रेड सॉल्यूशन आता है। तो अभी तो मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें पी तो आएगा क्योंकि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन टेस्ट का। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड गिवन ब्लड रेड कलर, ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड तो गिवन, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड गिवन ब्लड रेड कलर। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हम अप्रोप्रिएट चूज करें तो सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ ब्लड रेड नहीं आता है, पर्पल सॉल्यूशन आता है। सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ, हाँ, Fe+3 FeCl3 Fe+3 के साथ आता है। चलो ठीक है, ऑप्शन को हम सेट करने की कोशिश करेंगे, सेट मतलब कंसेप्चुअल सेट करने की कोशिश करेंगे। आप मान लो कि सर तो सेट करने पे आ गए, ऐसा नहीं है, कंसेप्चुअली हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, सोडियम फ्यूजन ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड, है ना, गिव, ये थोड़ा सा इसमें होपफुली प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ ट्रीटिंग कंपाउंड विथ न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन वायलेट कलर सही है, द कंपाउंड रिएक्ट विथ ब्रोमीन, ठीक है। चलो तो ये कब होगा, जब HCN बनेगा, और HCN कब बनेगा, जब सल्फर नाइट्रोजन दोनों कार्बन में क्या हो, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें नहीं आएगा ये, है ना, एडिशन ऑफ कंपाउंड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl3 गिव रिजल्ट एप्रोसिस, किसका टेस्ट है, COH का, तो उसमें COH नहीं है। द कंपाउंड रिएक्ट विथ ब्रोमीन वॉटर, है ना, टू गिव ए वाइट प्रसिपिटेट, जी हाँ, ब्रोमीन वॉटर के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी ऑप्टेन होगी। आपको पता है एनिलीन ये रिएक्शन देता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, एन कंटेनिंग कंपाउंड में है कि एनिलीन ब्रोमीन वॉटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो व्हाइट पीपीटी ऑप्टेन होती है, NH2 और ट्राई ब्रोमिनेशन होता है, पढ़ी होगी ना, ट्राई ब्रोमिनेशन। तो एनिलीन मिलेगा या एनिलीन ये टेस्ट देगा, तो ये वाला टेस्ट एनिलीन देगा, SB आएगा, है ना। फिर बोला है ट्रीटिंग ऑफ कंपाउंड विद न्यूट्रल FeCl3, तो ये टेस्ट किसका है, ये फिनोल का टेस्ट है, किसका टेस्ट है, फिनोल का टेस्ट है। ओके चलो नेक्स्ट, फिर ये वाला, इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो पी नहीं आएगा, इसमें भी ये नहीं है, ना तो सल्फर है नाइट्रोजन है, कोई सा नहीं आएगा। इसके बाद करते हैं COH नहीं है, इसमें नहीं आएगा, ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ट्रीटिंग द कंपाउंड विथ न्यूट्रल FeCl3 ब्रोमीन वाटर के साथ, क्योंकि इसकी एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई है भैया, ट्राई ब्रोमिनेशन होना चाहिए, फिनोल रिएक्ट करता है बट ट्राई ब्रोमिनेशन होना चाहिए, यहाँ ट्राई ब्रोमिनेशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पे ये वॉयलेट कलर, तो इसका आएगा टी। चलो फिर ये, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ब्लड रेड आएगा, ब्लड रेड कलर आएगा, मतलब इसमें क्यों आएगा। ओके फिर उसके बाद COH ग्रुप है तो NaSCO3 के साथ CO2 का लिब्रेशन होगा तो एप्रेसेंस आएगी, तो इसमें RB आएगा। ऐसे ही बात करें फिर ब्रोमीन वाटर के साथ नहीं होगा, ट्रीटिंग विद कंपाउंड ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं कैप्रोलैक्टम, नाइट्रोजन है केवल,
तो ये वाला टेस्ट देगा केवल सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेट के साथ, तो इसमें पी तो आएगा, ये वाला नहीं आएगा, सल्फर नहीं है, एडिशन COH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर में ना तो कोई अनसेचुरेशन नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा और ना ही कोई ग्रुप है, द वोलेट कलर इसके साथ में नहीं आएगा, तो लास्ट वाले में तो पी आएगा भैया, फोर्थ में पी आएगा, फोर्थ में पी, तो इसका मतलब ना तो इस ऑप्शन का कोई मतलब है, इसका कोई ऑप्शन का मतलब नहीं है, इस भी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन अपने पास कौन से रिमेनिंग ऑप्शन बच गए, फर्स्ट और फोर्थ, दो को तो हम ऑलरेडी स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें श्योर है हम कि पी आएगा। अब देखो फर्स्ट में क्या आया, पीएस, फर्स्ट में क्या आया पीएस, तो फर्स्ट में पीएस यहां है, सेकंड में क्या आया टी, टी है, थर्ड में क्या आया क्यू आर, क्यू आर है, और इसमें क्या आया पी, तो आंसर विल बी फोर, आंसर क्या होगा फोर्थ होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होपफुली खत्म हो गए, ओके थैंक यू। तो फर्स्ट पेपर का हमने सोल्यूशन कर दिया है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड पेपर का सोल्यूशन। ओके थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डोडी, टीम CLC। अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट में इनऑर्गेनिक के बारे में। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन MOT से पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ टू पी ऑर्बिटल इज, क्या क्या बातें कर रही है, पहला कह रहा है सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल ऑफ टू नोडल प्लेन। बेटा जब नोडल प्लेन की बात आए तो नोडल प्लेन के लिए आपको बात कर दें, नोडल प्लेन के लिए आपके लिए बात करें, देखिए सीधा सिंपल सी बात रखें, अब जो अपने पास बताते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह जाती है इसके से, अब बॉन्ड जो बनता है वो मेन यहां पर बनता है, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी यहीं पर होती है। अब नोडल प्लेन कहते कैसे हैं कि नोडल मतलब मेन पॉइंट से गुजरना चाहिए, केंद्र से, तो यहां पर तो अपन देख रहे हैं ये तो अलग है, इनको नोडल प्लेन नहीं बोलेंगे, नोडल प्लेन यहां इनके बीच में से गुजरता तब अपन बोलते हैं नोडल प्लेन, पर यहां पर सभी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास प्रेजेंट है तो इसको नोडल प्लेन, इसमें कितना काउंट करके चलेंगे अपन, जीरो नोडल प्लेन काउंट करके चलेंगे, तो ये अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट बोलता है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोडल प्लेन इन द एक्स जेड प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, देखिए अपन बात करें इसके लिए सिग्मा स्टार के लिए, अपन ऐसे बात करें, इसमें जो नोडल प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, ये अपन एक्सिस बोलते हैं, इसके क्या मिलता है अपने को परपेंडिकुलर मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट अपने लिए इसलिए रॉन्ग है अपने पास कि पाई के लिए अपन कैसे बात करते हैं, सॉरी पाई के लिए अपन ऐसे बात करते हैं, ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर है, इसमें परपेंडिकुलर नहीं होगा बेटा, पैरेलल होता है बिल्कुल, ये न्यूक्लियस से यहां से गुजरता है, इसे क्या बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से होकर गुजरा है, इसमें एक नोडल प्लेन तो है पर वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना कैसा हो गया रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट फोर्थ में बात करें पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जबकि अपन पाई स्टार में बात करें इसमें दो नोडल प्लेन होते हैं अपने पास, अपन बात करें ऐसे दो नोडल प्लेन होते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन में अपने को मिल जाए कंटेनिंग है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हुए भी इसमें सिंगल क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, इसमें देखें द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए बात करता है बेटा, बॉक्साइट के लिए बात कर रहा है कि क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, द रिएक्शन ऑफ Al2O3 विद कॉक एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, बेटा जी ये डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये गलत बात है, वैसे तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर काफी हाई होता है परंतु उसको कम करने के लिए अपन क्या मिलाते हैं क्रायोलाइट Na3 Al6+
प्लस CaF2 का फॉर्मूला देते हैं, जिससे अपने पास टेम्परेचर कम हो जाता है, लगभग 900 से कितना अपन मान लें 930 के आसपास टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया, और इतने ऊंचे टेम्परेचर पर अपन किसी रिएक्शन को कराने के लिए अपने को भट्टी वगैरह वो भी क्या बनानी पड़ेगी, अच्छी बनानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट सोल्यूशन बाय पासिंग CO2 गैस टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम Al2O3.3S2। बिल्कुल सही बात है बेटा, CO2 को अपन पास करते हैं, इसलिए क्योंकि पहले Al2O3 की रिएक्शन अपन एल्यूमिना से कराते हैं तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, उसको वापस हल्का सा एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना राइट है, ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। द डिसोसिएशन ऑफ द Al2O3 इन हॉट एक्वस NaOH, रिएक्शन ही यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, उसके बाद में ये प्रोसेस होता है CO2 पास करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 मिक्स्ड विद Na3AlF6 टू गिव एल्युमिनियम एंड CO2, ये स्टेटमेंट भी अपना राइट है। क्यों? क्योंकि जब एल्युमिनियम प्लस 3 है, ये तीन इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाएगा बेटा, Al प्लस Al सॉलिड में बदल जाएगा, जबकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस 2 है, ये क्या होता है, ये O2 में बदलता है। ये O2 किससे रिएक्शन कर लेती है कि जो अपना कि जो ग्रेफाइट का बना होता है कम एनोड, वो उससे रिएक्शन करके क्या बना लेती है, CO2 का फॉर्मेशन कर लेती है, इसीलिए इसको अपने को बार बार चेंज करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट भी अपना बिल्कुल राइट है। तो अपना आंसर आ जाएगा 2, 3 एंड 4। ऑर्गेनिक आया है, मैचिंग द कॉलम, ये अपने पास क्वेश्चन है जो मेनली एस ब्लॉक से ही मान सकते हैं अपन। इसमें कह रहा है लिस्ट फर्स्ट कंटेनिंग कंपाउंड, लिस्ट सेकंड कंटेनिंग रिएक्शंस, देखते हैं बेटा इनमें क्या क्या बनता है। ये जो है ये अपने पास ये रिएक्शन है, ये हार्ड सॉफ्ट टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने की मेथड है। इसमें अपने पास क्या बनता है बेटा, MgOH का होल ट्वाइस, इसमें MgOH का होल ट्वाइस बनता है, जबकि कैल्शियम वाले में क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लस अपने पास क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर अपने पास क्या बनता है, H2O2 बनता है, प्लस BaSO4 का फॉर्मेशन होता है, NCRT की रिएक्शन है अपने पास ये। यहां पर बात करें, यहां पर क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 का फॉर्मेशन होता है। इस जगह पर क्या बनेगा, यहां भी H2O2 का ही फॉर्मेशन होता है बेटा, H2O2 प्लस BaCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, BaCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपने कह रहा है H2O2 कहां कहां बन रहा है बेटा, अब इसमें ऑप्शन अपने ऑप्शन देखकर आंसर देना पड़ेगा। देखिए H2O2 Q में बन रहा है और एक S में बन रहा है, तो Q में एंड S में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें S हो, तो अपना थर्ड एंड सेकेंड ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में अगर बात करें तो सेकेंड मिलान करते हैं अपन, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस एक तो P में बन रहा है, MgOH का होल ट्वाइस R में बन रहा है, MgOH का होल ट्वाइस P में बन रहा है और एक R में बन रहा है, ये दोनों तो बिल्कुल इसके दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन कोई दिक्कत नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें अपन थर्ड में, बात करें थर्ड क्या है, BaCl2, BaCl2 अपन देखें सिर्फ एक में ही बन रहा है, S में बन रहा है, किसमें बन रहा है, S में, तो एक S यहाँ भी है और S यहाँ भी है, तो ये भी अपन इसमें भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें CaCO3, CaCO3 अपने पास इस जगह पर बन रहा है, P में बन रहा है और T में बन रहा है, CaCO3 P में बन रहा है और यहाँ T नहीं है, P भी नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। इसको बेचा ऑप्शन से मिलान करके ही आपका आंसर सही आएगा, कुछ ऑप्शन ऐसे बन जाते हैं जो ऑप्शन का मिलान करने पर आंसर सही आता है, तो इनको देखकर यहां पर मिलान करना है। ये दो ऑप्शन तो आपके पास पहले ही कट हो जाएंगे, कौन सा, सेकंड और थर्ड, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। ये ऑप्शन आपने रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन तो कहां से हैं, ये दोनों रिएक्शन तो बेटा टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने की रिएक्शन है, जबकि ये दोनों रिएक्शन किसके लिए है, ये दोनों रिएक्शन अपने पास H2O2 फॉर्मेशन के मेथड है। ये पूरा क्वेश्चन कहां से आया, एस ब्लॉक से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एडवांस में एस ब्लॉक का क्वेश्चन आना काफी इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, पर इसमें अपन को एक एक कंपाउंड को लेकर चलना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं CR,
पहले हम बात करते हैं सी आर सी एन का होल 6 माइनस 4, ठीक है। इसमें सी आर किस में बेटा, प्लस 2 में है, प्लस 2 में है, तो यहाँ क्या बन गया बेटा, डी 4 बन गया। तो अपने पास पहला कंपाउंड आ गया डी 4। फिर अपन बात करते हैं इसमें क्या पूछा है, म्यू पूछा है, तो अपन टी टू जी की बात करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये किस में रहेंगे, चारों इलेक्ट्रॉन टी टू जी में ही रहेंगे, ठीक है। तो टी टू जी में चारों इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं। नेक्स्ट पूछा है, पूछा है लो स्पिन म्यू की बात पूछी है, तो म्यू इसका कितना आएगा, म्यू एम आएगा इसका 2.83 के आसपास आएगा। लो स्पिन होगा बिल्कुल, डी टू एस पी 3 होगा, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में नहीं है, डी 4 स्पीसीज बिल्कुल है। तो इसका क्या क्या आंसर आ जाएगा, टी टू जी में 4, तो अपने पास पी आ गया, म्यू 4.9 नहीं है, लो स्पिन है, तो अपने पास आर आ गया, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाएगा टी, पी आर टी आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, पी आर टी। नेक्स्ट बात करें आर यू सी एल 6, आर यू सी एल 6 माइनस 2, इसमें देखें तो अपने पास अपन देखते हैं डी 7 4S1 है इसमें, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आर यू सी एल 6 माइनस 2 प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें क्या बन जाएगा, डी 4 बन जाएगा अपने पास, ठीक है बेटा। म्यू की बात टी टू जी में देखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा 4D सीरीज के साथ सी एल किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है। बात की हुई अपने 4D और 5D सीरीज में, हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, तो कितना आ गया है डी 4। उसके बाद टी टू जी में आ गया म्यू, कितना आएगा म्यू एम 2 point something आएगा, लो स्पिन बिल्कुल डी टू एस पी 3 आएगा इसमें, हाइब्रिडेशन अंदर वाले डी खाली पड़े, मेटल प्लस 4 में है, डी 4 स्पीसीज, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा अपने पास, पी आर एस और टी आ गया बेटा। क्रोमियम के लिए, नेक्स्ट के लिए बात करें, क्रोमियम H2O का होल 6 प्लस 2 है, इसमें बात करें क्रोमियम H2O का होल 6 प्लस 2 है, क्रोमियम यहाँ किस में है, प्लस 2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो अपन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन टी टू जी में भी रहेंगे और ऊपर ई जी में भी रहेंगे बेटा, टोटल 4 है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ म्यू एम का मान की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, म्यू का कितना आ गया 4.8 आ गया, लो स्पिन नहीं होगा बेटा, ये हाई स्पिन होगा sp3d2, मेटल आयन इन प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल नहीं, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डी 4 स्पीसीज बिल्कुल डी 4 स्पीसीज है ये अभी भी। तो अपना इसमें आंसर आ जाएगा बेटा क्या क्या, टी टू जी नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है इसमें, दूसरा क्यू आ जाएगा, लो स्पिन नहीं है, एस डी 4 में भी नहीं है, तो इसका आ जाएगा क्यू टी आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा क्यू टी, ठीक है। अब मिलान करना चाहो तो कर लो, 3 मिल गए अपने को, और नहीं वरना एक्स्ट्रा एक और देख लेते अपन, एफ ई एस 2 का होल 6 प्लस 2, एफ ई यहाँ पर किस में आ गया, डी 6 में, और प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो अपन कैसे फील करेंगे, यहाँ 2, 3, 6 है अपने पास, तो 2 कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो इसके लिए अपने पास टी टू जी में 4 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल, म्यू की वैल्यू 4 आ जाएगी, लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन होगा ये, मेटल प्लस 2 में नहीं है, डी 4 स्पीसीज भी नहीं है, तो अपना इसमें क्या रहेगा बेटा, पी और क्यू रह जाएगा, पी एंड क्यू रह जाएगा, ठीक है। अब मिलान कर लेते हैं बेटा, फोर्थ में पी एंड क्यू एक इसी में है, थर्ड में क्यू टी बिल्कुल इसमें है, सेकेंड में पी एस 2 दिए हैं तो कोई बात नहीं 2 दे देंगे, तो फर्स्ट में आर टी बिल्कुल आर टी है अपने पास, तो अपना फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनऑर्गेनिक अपने पास इतने क्वेश्चन थे, अब एक क्वेश्चन बेटा अपना टाइप नहीं हो पाया तो उसके लिए बात कर लेते हैं, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है तो टाइप नहीं हुआ, उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ आपको, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आया है पेपर में अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12 था, ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना विद HNO3
HNO3, यह लेना PbS, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं अपन, HNO3 से कराते हैं, तो बेटा क्या बनता है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस सल्फर की अपने को प्लस NO गैस मिलती है, क्या मिलती है NO गैस, तो ये प्रोड्यूस एक गैस, गैस कौन सी मिल रही है अपने को NO, दैट इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है, तो ए आंसर आ जाएगा अपना पैरामैग्नेटिक, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। बी कह रहा है बेंट इन ज्योमेट्री, बेटा ये तो दो एटम है तो इसमें कोई बेंट वगैरह नहीं होगा, दुर्गा एन एसिडिक, ये तो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, कलरलेस, डी आंसर आ जाएगा कलरलेस, बिल्कुल ये कलरलेस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO2 एंड N2O3 ही कलरलेस होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपना क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक के, जो सामने आपके डिस्कस कर लिया मैंने, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।